अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बच्चों को हमने ब्रेकफास्ट में ऑमलेट चीज़ पराठा बना के दिया था और यह है इसकी फ़ाइनल लुक। और इसकी रेसिपी जो है वो नहीं बना सके, इसलिए आपको फ़ाइनल ही दिखा रहे हैं। और इसके साथ चलते हैं रूटीन की तरफ। हमारे घर में आया हुआ था एक छोटा सा बेबी। ये 15-20 दिन का बच्चा है और ये फीडर में दूध पीता है और इसको पैम्पर भी लगाया हुआ था हमने ताकि घर नीट रहे। और ये फीडर बहुत शौक से पीता है और बहुत ही जहाँ जहाँ हम जा रहे थे हमारे पीछे पीछे चल रहा था और बच्चे जो एक्टिविटी कर रहे थे उनके साथ ही ये बैठ के उनके पीछे पीछे जो जो वो कर रहे थे वैसे वैसे ही कर रहा था। ये बहुत शौक से फीडर पीता है, हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और ये बहुत ही प्यारा क्यूट सा ये है बकरी का बच्चा। ये देखें अब जहाँ हम जाएंगे फीडर पी के हमारे पीछे पीछे ही आ रहा है कि हमारे जहाँ आप जा रही हैं मैं भी आऊँगा। और चलते हैं आपको किचन में लेकर। आज हमारे किचन में बन रहा था यखनी पुलाव, चिकन यखनी पुलाव। आप मेरी रेसिपी से अगर बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत मज़े की और ट्रीट बन जाती है। हमने इसमें होल स्पाइसेस सारे डाले हैं, बादियान का फूल, दालचीनी, लौंगे, ज़ीरा, सूखा धनिया, सौंफ और नमक डालकर हमने ये यखनी तैयार कर ली थी। दूसरी तरफ हम कढ़ाई में ऑयल डाला है और प्याज डालकर इसको लाइट गोल्डन सा करेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। हमारी यखनी भी रेडी थी और हमने दूसरी तरफ ये जो है मसाला वो भी रेडी कर रहे थे। प्याज़ों में हमने ज़ीरा ऐड कर दिया है और यहाँ हमने पेस्ट बनाया हुआ था टमाटर, अदरक और हरी मिर्च। आपने इनका पेस्ट बना लेना है और यहाँ हमारा जो है प्याज लाइट गोल्डन हो गए हैं। प्याज़ों को लाइट गोल्डन करना बहुत ज़रूरी है वरना हमारे जो राइस है मीठे मीठे बनेंगे। हमने इसमें एक प्याज़ों में एक चम्मच लहसुन का पेस्ट डाला है। ये देखें ये हमने चिकन यखनी में से निकाल कर अब प्याज़ों में ऐड कर देंगे ताकि हमारा जो चिकन है उसकी जो हल्की फुल्की स्मेल रह गई है वो भी ख़त्म हो जाए। और इसको हम भूनेंगे अच्छी तरह से, लाइट गोल्डन सा करेंगे इसको। लाइट गोल्डन करने के बाद ये सारा हमने यखनी से निकाल ली है। फिर हम जो हमारे पास जो पेस्ट है वो हम ऐड करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाते हैं। इसको हमने फ्राई कर देना है ऐसे ही। ये घर के मसालों से ही यखनी पुलाव बहुत मज़े का और बहुत क्विक बन जाता है। ये पेस्ट हमने इसमें ऐड कर दी है। हमारे पास 2 गिलास चावल थे इसलिए हमने 2 अदर टमाटर लिए हैं, 6-7 हरी मिर्चें ली हैं हमने और 1-2 इंच का टुकड़ा हमने अदरक का लिया है। अदरक चावलों में डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत मज़े का चावलों का बन जाता है। यहाँ हमने इमली डाल दी है 2 चम्मच के करीब। अगर आप भिगो के डालना चाहती हैं भिगो के डाल दें। हमने ऐसे ही डाली है ताकि इसका जो है इमली का टेस्ट चावलों में आ जाए। और ये यखनी हमारे पास जो लेफ़्ट ओवर बची हुई थी हमने इसमें चावलों में डाल दी और ये हमने साथ में चावल भी ऐड कर दिए। इसमें इस कंडीशन पे हमने इसका जो है सॉल्ट वगैरह चेक कर लेना है। अब हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। हमने पाउडर फॉर्म में ही ऐड कर देना है क्योंकि इसमें ऑलरेडी पानी है। और ये इसमें हमने चम्मच की मदद से इसको ऐसे मिक्स कर देंगे और दम हमारा हमने दिया है 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट के दम के बाद ये है इसकी फाइनल लुक, बहुत मज़े के और अकेला अकेला चावल बनाए। ये बहुत सिंपल स्पाइसी से रेडी हो जाता है। इसमें हमने हरी मिर्चें डाली हैं, 1 चम्मच के करीब ब्लैक पेपर ऐड की थी, अगर आपको कम लगे तो डालें, और नमक। और इन चीज़ों से ही ये हमारा बहुत मज़े का स्पाइसी सा तैयार हो जाता है राइस। ये हमारे पास फ्रीज की हुई शामियाँ पड़ी हुई हैं, साथ में हम पुलाव के साथ हम शामियाँ लेंगे। हमने एग बीट कर लिया था, उसमें नमक और थोड़ी सी सूख मिर्च डाली थी और इस तरह हमने शामियाँ रेडी कर ली। शामियाँ जो हैं चिकन पुलाव के साथ बहुत मज़े की लगती हैं और बहुत ही इससे चावलों का टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है। ये हमने डिश आउट कर रहे हैं राइस। देखिए हमारे चावलों की फ़ाइनल लुक बहुत मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे राइस तैयार हो गए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होती है और हमारा दिल करता है हम मज़ीद आपके साथ अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करें। और ये देखें इनकी फ़ाइनल लुक,
और इसके साथ ही हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।